यहाँ पे भी नहीं है। चलो अब लोकी से ही पूछना पड़ेगा। हाँ भाई मम्मी कहाँ है? अच्छा इसको तो खाने से ही फुर्सत नहीं है। एक्चुअली मैं मुझे अभी जाना था वॉक पे, बट थिंक इसके ना अभी घर पे मम्मी नहीं है और फिर लॉक करके जाऊंगा तो चाबी कहाँ रखूंगा, ये चीज़ का दिक्कत है। अभी काम करते हैं, मम्मी को आने देते हैं फिर मैं चले जाऊंगा वॉक पे। और आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है तो धूप का तो कोई टेंशन ही नहीं है। इवन दो कि गूगल ने भी बता दिया है कि आज जो होगा ना थंडर स्टॉर्म आएगा, बारिश वगैरह सब आएगा, तो भगवान करे आए यार इस गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा पाए। कि हमारा जो बड़ी वाली गाड़ी है उसको अभी क्लीन हो रहा है वो देखो। मतलब तू घर पे रहता है तो मम्मी के बारे में एक ख्याल नहीं है तेरे को कि कहाँ गई मम्मी नहीं गई? पूछ लेता एटलीस्ट, पूछ लेता कि हेलो मम्मी कहाँ जा रहे हो, देखो कैसे चलता है। अबे वो तेरी गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर गुस्सा करेगा मेरे ऊपर। ये देखो भाई उतरी मेरे ऊपर गुस्सा कर, मेरे ऊपर देख रहे हो यार तेरी मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, ले ये ले ले और ले और ले ले मेरे ऊपर गुस्सा करेगा लेखा। समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ क्योंकि ना अभी मन बहुत कर रहा है। लाइक मौसम देखो कितना प्यारा सा रखा है, मन कर रहा है कि जाऊँ वॉक वगैरह करूँ, बट थिंग इज कि अभी मम्मी नहीं है और इसको ये जो है इसको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। सोच रहा था मम्मी को फ़ोन करूँ बट सारा फ़ोन तो घर पे ही है। क्वेश्चन अपने निर्धारित समय पे आ चुका है, ठीक है कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गया। तो अभी बेसिकली क्या करना है, बहुत दिन हो गए हमें मॉल नहीं गए हुए और हमारे जो पास में सबसे बड़ा मॉल और सबसे बढ़िया मॉल है DLF, ठीक है DLF नोएडा, तो वहाँ पर अभी हम जाने वाले एक चक्कर काटने, मतलब एक सांत्वना कि हाँ भैया कुछ है, कुछ हो रहा है, हम भी जिंदा हैं ऐसा फील होने लगा। क्योंकि आपको तो पता है डेली हमारे डेली ब्लॉग्स आते हैं तो डेली ब्लॉग्स में क्या क्या चीज़ होता है। तो अभी क्या करने वाले, हम DLF जाएंगे एंड देन आफ्टर कुछ बाहर का अगर हो पाया, बजट के अनुसार हो पाया तो हम वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे। मैंने सुना है दिल्ली में बड़ा ठंड है, बर्फबारी हो रही है आजकल। YouTube जो खोलता रहा ना, दिल्ली टू मनाली, दिल्ली टू यहाँ, दिल्ली टू वहाँ, मेरे को लग रहा है ज़्यादा गर्मी दिल्ली में ही पड़ रहा है। हमारे नोएडा वाले तो कुछ स्टेटस डाल ही नहीं रहे हैं, यूपी वाले यूपी टू इधर, यूपी टू उधर, नहीं है छोटा दिल्ली बसाने के सोच रहे हैं। हाँ मेरे को ये लग रहा है छोटा दिल्ली वहीं पे बसा देंगे, जैसे होता है ना हर जगह एक कोई ऐसा जगह, एक जगह होता है यार जो ना हर जगह आपको मिल जाएगा, नाम भूल रहा हूँ, दिल्ली में भी है नोएडा में भी, मतलब हमारे एरिया में भी है, वो जगह का नाम बोल रहा हूँ पता है बहुत ही। हाँ जैसे जैसे कोई भी हिल स्टेशन जाएंगे ना तो वहाँ पे मॉल रोड होगा, MALLROAD मॉल रोड, जहाँ पे भी हिल स्टेशन जाओ वहाँ पे वो चीज़ होगा। तो वैसा ही चीज़ मतलब हमारे जो दिल्ली उठ के ना वहाँ चला जाएगा तो हर जगह ऐसे ही लगेगा भाई छोटा दिल्ली आ गया। इतने दिनों से मैं बोलता था कि भाई KFC जाना है, तो घूमने से पहले अभी हम जाने वाले KFC, ये देखो पहुंच भी गए हैं कैसे। सो हमने मील ले लिया है एंड देखते ऊपर कोई है कि नहीं है। नो आई थिंक नहीं है, कोई भी नहीं है, हम अकेले ही है। ओ हाय ओके अच्छा और नो कोई बैठा हुआ है। ओके सो हमारा जो बेस्ट प्लेस हुआ करता था ना ये था, ये तो यार थोड़ा गंदा है, वो भी गंदा है ये। सो ये जो टेबल देख रहे हो ना, इस वाले टेबल को हमारा फेवरेट है, जब भी हम आते हैं तो हम यहीं पर बैठ के खाते हैं। एंड दिलाता हूँ क्या क्या है, ये है राइस बॉल एंड ये है चिकन। हाय 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 हाय, मतलब मैं सपने में हूँ, इतने दिन से मैं बात कर रहा था एंड आई एम राइट नाउ आई एम हेयर। कैसा लग रहा है? पहले हम बहुत आते थे, पहले हम रेगुलर आते थे, मतलब इधर उधर डोलते रहते, जब हम ज़्यादा ही खा लिया थे उसके बाद से हमें नफरत से मतलब हाँ मन भर गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि अब नहीं खाना हमें, ठीक है KFC की जगह कुछ और ही, ठीक है वो सब खाने, बट अब बहुत दिन हो गए खाए हुए, तो चलो पहले मैं खा लेता हूँ उसके बाद बात करते हैं।
सो हमारा हुआ चिकन तोड़ना फिनिश एंड अब हम जाने वाले हैं मॉल, ठीक है, क्योंकि रोशन को स्पेशली रोशन को घूमना है DLF, ठीक है, पता नहीं क्या है। मिलते हैं मॉल में, नहीं ये तू ना उसका वाला है। नॉर्मल डेज में आज तक हमारा ना कभी भी ऐसे रो में खड़ा नहीं होना पड़ा पार्किंग के लिए। फटाल देखो आज काफ़ी भीड़ लग रहा है मेरे को, ये देखो हाँ गाड़ी तो पार्क हो गई बट ये भाई सीधा हमारा सिर इसमें लग सकता है, ये देखो हाँ लिख भी रखा लो। मे बी शायद मना कर दे मेरे को ना, मेरे को डाउट लग रहा है कि मना ना कर दे मेरे को GoPro को अंदर में रिकॉर्डिंग करने के लिए। लग गई, लग गए क्या, टूटा कि नहीं टूटा, हाँ जी खोल दिया उसको, स्विच कर दिया है रोशन के फ़ोन से, ठीक है, तो रोशन को भी क्या लेना है, आइसक्रीम। पहले आते हैं रईस, ठीक है, फिर आते हैं महारईस और उसके बाद आते हैं रोशन जैसे आदमी, मतलब जिसको आइसक्रीम खाना था वो मॉल में लेके आ रहा है। मैं भी बोलूँ अचानक से उसको मॉल घूमने का कैसे हो गया, इसको आइसक्रीम लेने के लिए मॉल पे आया है। मेरे को तो लगा था क्योंकि खाली खाली रहेगा बट लुक कितना क्राउड है। हमारा आइसक्रीम आ चुका है, बेसिकली ये वाला है, ये कोकोनट का ऐसा है, कोकोनट और ये वाला चॉकलेट है, चॉकलेट और ये चॉकलेट भाई, ओके पता नहीं इतना सारा नाम मेरे को नहीं पता, मेरे को डायरेक्ट पता है भाई चॉकलेट और ये कोकोनट। अभी मन कर रहा है रोशन को पकड़ूं वहां से और यहां से सीधा उसको गद्दे पे फेंक दूं, फेंकू तुझे नीचे, बोल दे नीचे फेंकू, यहाँ से उठा के काश ऐसा पावर होता ना कि ऐसे उठाता इसको और ऐसे करके सीधा ड्रॉप कर देता। तो वो घूमना हमारा कंप्लीट एंड आइसक्रीम वगैरह जो भी लेना था रोशन को, रोशन ने ले भी लिया और आज फर्स्ट टाइम मैंने आइसक्रीम इधर खाया, वो भी मतलब ऐसे कंपनी से खाया था, मतलब आई डोंट नो, मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया हमारा भी, हम भी थोड़ा पेड प्रमोशन करेंगे अब से। है रोशन और क्या भाई, रोशन बोल रहा था नाम लेने के लिए बट मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बाकी बी रोल में तो आपको पता चल ही गया होगा जहाँ से भी गया, बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया था, ठीक है, किसी को गंदा नहीं कहेंगे। और अभी क्या करना है, अभी रोशन मेरे को ड्रॉप करेगा घर पे, जाते ही मेरे से 10 सवाल पूछे जाएंगे कि कहाँ था, क्या कर रहा था, नहीं था, किसके साथ था, ठीक है, तो एक जवाब दे रहा ना, ब्लॉग देख लो, ब्लॉग देख लो, ब्लॉग देखेंगे ना कि बोलेंगे कि आज लौटना हमारा मुर्गा खा के आया, भूत बना देंगे, बोलेंगे आइसक्रीम खाया था मुर्गा का टेस्ट दबा के, फिर तो चलो रोशन मेरे को ड्रॉप कर देता है एंड देन आफ्टर चलते हैं। हे स्टार्टर्स, तो गाइस मैं घर तो आ गया हूँ बट एक चीज़ का बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि लाइक वहाँ पे ना जब हम KFC में कुछ खा रहे थे ना, आराम से बोलना पड़ेगा, KFC में जब कुछ खा रहे थे ना तो मेरा जो ईयरफोन, जो मैं ईयरफोन रखता ना उसके प्लग्स थे, ठीक है, वो वहीं पे भूल गया, अब दोबारा खरीदना पड़ेगा मेरे को, मतलब एक चीज़ का खर्चा हुआ दोबारा एक खर्चा हो जाता, और पता है कि वो वाले जो प्लग्स होते हैं वो वाले ब्लूटूथ के दूसरे में और में मिलता भी नहीं होता, मे बी शायद मिले या ना मिले वो मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा ई-कॉमर्स पे। तो बाकी ना किसी ने मेरे से नहीं पूछा, थैंक गॉड कि मैं बच गया हूँ, और पूछा भी ना तो मम्मी ने ही पूछा कि मैं कहाँ था, तो मम्मी को तो चलो यार मम्मी डांटती भी बहुत ज़्यादा है और मुझे ठीक आ रही है, तो एक काम करते हैं ना ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही कंटिन्यू मैं बोलता रहूँगा ना मम्मी को पता चल जाएगा और मम्मी फिर बोलेंगे कि आज क्यों खाया, मेरा डांटना भी जायज़ है और मेरा खाना भी जायज़ है, बिना खाए मेरे को रहा नहीं जाएगा और उनको बिना डांटे हुए रहा नहीं जाएगा, तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो बहरहाल अगर आपको हमारे ब्लॉग्स में ऐसे ही ब्लॉग्स आपको देखना हो या पसंद आते हैं हमारे ऐसे ही ब्लॉग्स तो जाके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना यार, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे ना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और बिना नोटिफिकेशन के ना आपको सर्च करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे यूजर्स को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों को कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो, ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और तब तक के लिए लव फ्रॉम नोएडा, बॉय फ्रॉम बिहार, पीस आउट, और इतने दिनों के बाद बोला ये डायलॉग हमारा पर्सनल डायलॉग, ठीक है, चलो मिलो नेक्स्ट, बताता हूँ डांट पड़ा कि नहीं पड़ा।